पिछले महीने यूट्यूब इनकम आई थी मेरी पहला लुक अपने। सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू ब्लॉग चैनल अगेन। मेरा नाम है परमदीप सिंह एंड आप सभी देख रहे हैं परम ऑन व्हील्स। और इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल आप सबने देख ही लिया होगा कि आज हम एक नया कैमरा लेने जा रहे हैं। देख सकते हो खुशी चेहरे पे दिख रही होगी। बहुत टाइम से प्लान कर रहा था गोप्रो मतलब एक्शन कैमरा, काफ़ी सारी मतलब ज़रूरत लग रही थी मेरे को कि यार ज़रूरी है, काफ़ी सारी चीज़ें उससे मैनेज हो जाएंगी और ऑब्वियसली क्वालिटी भी अपग्रेड होगी। आपको कुछ चीज़ें नई देखने को मिलेंगी इस मतलब इस वीडियो के बाद जो ट्रैवल वीडियोज आएंगी अपनी। और ये जो हमने प्लान किया है कैमरा लेने का, ये YouTube इनकम से है या कैसे, क्योंकि पहले YouTube इनकम लास्ट मंथ अपनी आ गई थी, उसके लिए वीडियो में बनाऊंगा अच्छे से कितनी आई क्या आई और बताऊंगा भी कि आपको कि ये कैमरा हमने कैसे प्लान किया, कैसे खरीद रहे हैं, कैसे YouTube इनकम सब बताएंगे तसल्ली से। पहले चलते हैं कैमरा लेके आते हैं। एंड सोनू भाई अपने साथ हैं, ये अपने साथ जा रहे हैं, हम दोनों जाएंगे कैमरा लेने लाजपत नगर। पहले चलते हैं कैमरा उठाते हैं और फटाफट से, वेट नहीं हो रहा हाथों में, कैमरा चाहिए GoPro, लेट्स गो। भाई ये देखो कितनी प्यारी लग रही है गाड़ी और ये सीन अभी तो फिलहाल फोन से चल रहा है। अभी GoPro आएगा तो वाइड एंगल होगा कुछ और भी चीजें ऐड ऑन होगी। लेट्स सी, पहले फटाफट पहुंचते हैं। बढ़िया लग रही है गाड़ी लेकिन। सो गाइस लाजपत नगर पहुंच गए हैं जहां से हमें कैमरा खरीदना है। गाड़ी पीछे खड़ी कर दी है। सो गाइज ये देख रहे हो सामने फ्यूचर फॉरवर्ड लिखा हुआ है निकॉन के ऊपर, यहाँ जाना अपने को। और ये है मेन मार्केट लाजपत नगर, वहाँ मिलेगा अपना कैमरा फ्यूचर फॉरवर्ड फर्स्ट फ्लोर। भाई यहाँ तो बहुत कुछ है, यहाँ देख कर मेरा दिल बहल रहा है। ये भी बहुत सारी चीज दिख रही है मेरे को। कंट्रोल सिर्फ GoPro लेंगे और कुछ नहीं। तो भैया ये अपना GoPro और यहाँ चल रही है पार्टी GoPro की। शर्म आ रही है? नहीं आ रही भाई, पैसे ठुक गए मेरे। इतने पैसे ठुक गए मेरे, 35,000 रुपये GoPro ले लिया और उसमें अभी भी नहीं चला वो। क्यों नहीं चला बताऊंगा, उसमें और चीज़ें चाहिए। और यहाँ चल रहे मोमोज, पार्टी ले रहे हैं मेरे से। मोमोज बढ़िया लग रहे हैं। डोलमांटी फेमस है यहाँ पे यार, ये भीड़ देख रहे हो। GoPro से शूट करेंगे यार। सो भाई ये जो लेके घूम रहे हैं ना GoPro, एक्चुअली क्या हुआ, भूख लग गई थी तो हमने डोलमांटी पे मोमोज खाए। अभी वो यार देखो बहुत सुना था, बहुत फेमस है, इतना सुना था लेकिन इतना कुछ खास मुझे लगा नहीं। चिली पराठा उन लिए थे वहाँ से, वो अच्छे लगे थे। मोमोज इतना कुछ मुझे खास अच्छे थे बट इतने खास नहीं जितना सुना था। और इसमें ना यार सीन क्या हो रहा है GoPro में, इसमें एक फ़ोन में उनको सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा, एप्लीकेशन डाउनलोड होगी तब चलेगा, मेमोरी कार्ड भी नहीं मिला इसके साथ, वो भी लेना पड़ेगा। कुछ तो चीज़ें हैं सेटअप करनी है, उसके बाद चलेगा। अनबॉक्सिंग भी करेंगे आपके सामने, करेंगे आपके साथ ही। अभी मैंने ओपन भी नहीं किया, अभी देखेंगे अच्छे से। पहले यहाँ से थोड़ा शोर हो ना, गाड़ी में चलते हैं। फुल मज़े ले रहे हैं, ये कैमरा खर्चा मेरा, फुल मज़े ले रहे हैं। पैकेट के अंदर ये बैग आ जाता है, इसके साथ ही मिलता है। इसके अंदर बेसिकली कैमरा है अपना और एक दो एक्सेसरीज वगैरह भी हैं। इसमें माइक्रो एसडी कार्ड लगता है छोटे वाला, वो यार एक्चुअली हुआ क्या, जहाँ से मैंने दुकान से लिया वो देख मेरे को 2600 रुपये का 128 GB का, और बाहर से मेरे को मिल गया 1700 में मिल गया, तो मैंने बाहर से ले लिया। थोड़ा पैसे बच गए वहाँ पे, कहीं तो पैसे बचाए ना, 35,000 रुपये लग गए भाई। बट ठीक है, मैं चाहता था कि ये हो, ये आए अपने पास और खुशी है भाई, खुशी है क्योंकि कुछ नई चीज़ आती है ना तो अच्छा लगता है। इसको ना कहीं अच्छी सी लोकेशन में चलते हैं, वहाँ पे आपके सामने ही इसको अनबॉक्स करेंगे, दिखाएंगे और कुछ अच्छे सिनेमैटिक शॉट्स लेंगे और देखेंगे इसके शॉट्स कैसे आते हैं, आपको भी दिखाएंगे। गाइज इसकी अनबॉक्सिंग करने के लिए और बढ़िया से सीन लेने के लिए हम आए हैं इंडिया गेट पे। इंडिया गेट पे इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पे सीन बढ़िया रिकॉर्ड हो जाएंगे, पास भी था लाजपत नगर से। तो पहले इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। चमचमाता हुआ GoPro का बॉक्स मतलब बैग बोलो, तो इसको ओपन करने के बाद ना ये है आपका GoPro आ जाता है इसमें, GoPro 9। हाँ जी, तो ये है GoPro 9।
इसमें एक फंक्शन ये मिल जाता है कि बैक स्क्रीन है, मतलब मैं रिकॉर्ड करूंगा तो यहाँ भी दिखेगा, और जैसे ऐसे रिकॉर्ड करूंगा ना मैं अपने आपको यहाँ इस फ्रंट में भी दिख जाएगा, तो ये इससे बेनिफिट हो जाता है, मतलब व्लॉगिंग के लिए बढ़िया चीज़ है। ठीक है, इसमें बॉक्स के अंदर आती है कि चार्जिंग केबल एंड ये माउंट आ जाता है इसके अंदर, मतलब ये माउंट इसमें नीचे लगाएंगे तो हमें मोटो ब्लॉक करना है इसे, तो हेलमेट के ऊपर लग जाएगा बढ़िया तरीके से, तो उसके लिए होता है बेसिकली ये। तो इसमें तीन चीज़ें मिलती हैं, एक आपका गोप्रो आ जाता है एंड देन आपका ये माउंट आ जाता है, माउंट का ये स्क्रू और ये चार्जिंग केबल और इसकी ये बुकलेट और वारंटी कार्ड, एक साल की वारंटी मिलती है इसके अंदर। इसमें मैंने अलग से मेमोरी कार्ड लिया था 128 GB का, ये छोटू सा मेमोरी कार्ड माइक्रो एसडी वाला, बिल्कुल पिद्दी सा। ठीक है, ये इसके अंदर अभी हम डालते हैं और इसको करते हैं ऑन। यार कोई नई चीज़ आती है ना तो अच्छा लगता है, मतलब देखो इस ब्लॉग को शूट करने का एक ही पर्पज़ है कि भाई अब क्वालिटी अपग्रेड होगी आने वाले ट्रैवल वीडियोज़ में, तो मेरे को ये था कि आप सबको पता रहना चाहिए कि भाई चैनल पर क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही है, क्योंकि ये आप सबसे रिलेटेड चीज़ है, जो वीडियोस आप देखोगे वो क्वालिटी इससे आएगी। हो गया क्या, कैसे होगा भाई, हो गया हो गया हो गया हो गया, अरे देखो दिख रहा होगा स्क्रीन में ना, पहला लुक अपने GoPro 9 से देखिए आप सभी के साथ ऑन करते हुए। अरे ये तो इंग्लिश लैंग्वेज सेट करनी, एक सेकेंड, ओके लैंग्वेज सेट कर देते हैं, एग्री कर दिया, GPS ऑन, ये स्टार्ट पहली बार में होता है इसका, ऐसा सीन है ना, देख रहे हो ना, इससे आपको पता चल गया होगा मैंने आप सबके सामने ऑन किया है। देखो स्क्रीन में ना ये पूरी स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पे आपको दिख जाती है बैटरी का ऑप्शन आ जाता है इसमें, यहाँ पे कितने घंटे में मतलब कितने घंटे की रिकॉर्डिंग, 3 घंटे की रिकॉर्डिंग कर सकता है ये, और इधर से फोटो क्लिक कर सकते हैं, ये वीडियो का है और इधर टाइम लैप्स का जाता है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे सेटअप है। एंड एक चीज़ देखो, मैं बैक करके कर रहा हूँ ना, मतलब ऐसा कर लिया तो फ्रंट स्क्रीन में भी देख सकता हूँ, 120 FPS पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो गाइज अभी ना ये रिकॉर्डिंग मैंने ऑन करी है और ये हो रही है आपकी 2.7 हाँ, तो अभी ये वाली जो रिकॉर्डिंग चल रही है ना ये 60 FPS पे, नहीं सॉरी 120 FPS पे रिकॉर्ड कर रहा है, जो मेन रीज़न था इसको लेने का, और वाइड एंगल, इससे वाइड भी होता है वो दिखाता हूँ आपको भी। सो गाइज ये वाला जो आप सीन देख रहे हो ये GoPro पे वाइड एंगल से है और ये 120 FPS तक रिकॉर्ड कर रहा है अभी, तो FPS का सीन बताऊँगा आपको मैं, देखो। एंड गाइज ये वाला जो सीन देख रहे हो ये एकदम सुपर वाइड पे है, जो इसका सबसे वाइड वाला मतलब एंगल है, एंड FPS सेम है 120 FPS का, इससे 240 FPS तक मैक्सिमम रिकॉर्ड कर सकता है, ये बिल्कुल वाइड वाला एंगल है, तो ऐसा कुछ सीन है इसमें। अभी तो यार फर्स्ट टाइम ऐसा यूज़ किया ना, इसमें बहुत सारे फीचर्स है, थोड़ा इसको यूज़ टू होने में टाइम लगेगा, और पता नहीं इसमें वॉइस भी आ रही होगी, आ रहा है सामने से, क्लियर आ रहा ना, सही आ रहा है। सो गाइज वाइड एंगल वगैरह तो आपको दिखा दिया, मतलब बेसिक बता देता हूँ अभी है ना, क्योंकि मेरे खुद भी थोड़ा हाथ सेट करना पड़ेगा। अभी आप सामने देख रहे हो इंडिया गेट, अभी एक टाइमलेस बनाते हैं, क्योंकि इसका जो टाइमलेस बनता है ना वो बहुत स्मूथ बनता है, तो चेक करते हैं। स्टैंड वगैरह नहीं है फिलहाल, हाथ से बनाऊंगा, तो स्टेबिलिटी मैनेज कर लेना, अगली बार स्टैंड खरीद लेंगे, अभी थोड़ा यार वैसे खर्चा हो गया, आज मैं जाऊँगा वापस आऊँगा पहली बार GoPro पे टाइमलेस, लेट्स भीड़ को चीरते हुए आता हूँ बना के। सो गाइस पार्किंग में वापस आ गए हैं, और इसको लेने के मेरे दो पर्पज़ थे, ठीक है, एक तो इसका वाइड एंगल जो पूरा अच्छे से डिटेल कैप्चर कर सकता है, क्योंकि मेरा मेरा पर्पज़ ये रहता है जब मैं ट्रैवल करता हूँ कि ऐसा इस तरह से वीडियो प्रेजेंट कर पाऊँ कि आप सब रिलेट कर पाओ, आपको ऐसा फील हो कि आप भी मतलब साथ ही ट्रैवल कर रहे हो, तो इससे मेरे को हेल्प हो जाएगी आप सबको दिखाने में जो हम लाइव देख पा रहे हैं वाइड एंगल से इसके। एंड इसके FPS 240 FPS तक रिकॉर्ड कर सकता है, जो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। 2 FPS का मतलब क्या होता है, देखो हम अभी जो मेरे पास आईफोन है उसमें 60 FPS पर रिकॉर्ड कर लेता है वो, और ये वाला जो मेरा कैमरा है कैनन का ये 50 FPS तक करता है। जितने ज्यादा FPS पे वीडियो रिकॉर्ड होती है ना उतनी स्मूथ बना सकते हैं उसे एडिटिंग के टाइम में, जब स्लो करके, तो ये होता है मेन, थोड़ा मोटा मोटा FPS के बारे में बात करें तो भाई ये वीडियो थी सिर्फ इसीलिए कि आप सबके साथ ये शेयर करना था कि अपने पास एक नया गैजेट एड ऑन हुआ है। टाइम टाइम पे मैं जो भी चीजें एड ऑन करता रहूंगा, बहुत सारे प्लान्स हैं वो आप सबसे शेयर करते रहेंगे। बाकी मेरे यूट्यूब इनकम की बात करें, जो मेन मुद्दा था भाई, देखो बात ऐसी है, पिछले महीने YouTube इनकम आई थी मेरी, और कितनी आई थी उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर अच्छे से, जल्दी जल्दी प्लानिंग चल रही है उसकी भी। बट ये जो है पूरा प्रॉपर YouTube इनकम से नहीं है, उसका कुछ पार्ट यूज किया है मैंने इसको खरीदने के लिए, बट इसमें और भी बहुत मतलब काम करते हैं यार, और भी तो पैसा आता है तो इकट्ठा करते हैं, सेव करते हैं, तो ये खरीद लिया हमने, ऐसा सीन है।
टोटल यूट्यूब इनकम से यूट्यूब इनकम का कुछ हिस्सा हमने यूज किया इसमें खरीदने के लिए। तो ये थी इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, छोटा सा ब्लॉग था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक कर देना अच्छी लगी और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ एंड कमेंट करके बताना, ठीक है। इस वीडियो का यहीं पर एंड करता हूं और जाते जाते इसका एक ट्रैफिक वाला गाड़ी का सामने का सीन देखते जाओ।